आया हूँ अपने कटनी अच्छा मध्य प्रदेश। सो इतना ट्रैवल लॉन्ग जर्नी ना, तो बहुत टाइट था। हेक्टिक हो जाता है। आप मैं ऐसे चाहूंगा टाइम पे ही लाइव रखते हो, मुझे लगता है ये साजिश है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा हमारे लिसनर्स के लिए, जो व्यूअर्स हैं हमारे यहाँ पर, उनके लिए हो जाए कुछ लाइंस, क्या कहते हो यार? गाइस? जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ या थोड़ा सा गला तू मेरे वजूद में है जैसे मौजूद, तुझे देखते ही इश्क महसूस हो गया, पाके तुझे खोने का सवाल ही नहीं, मेरी आंखों में तू अब महफूज हो गया, जैसे बारिश होकर भीगा हुआ ख्वाब तू, जैसे रहने लगा मुझ में बेहिसाब तू, जैसे मेरी ही दुआओं का जवाब तू, के तू मेरा सनम हो गया, अरब का करम हो गया। क्या बात है, सुपर यार, सुपर सुपर सुपर। थैंक यू भाई, दुआएं आप लोगों की। पैसु पैसु खुद के। अच्छा फैजू, जैसे आपने इस गाने के वीडियो में नो घर का काम कर रहे हो, आप पानी वानी लेकर आ रहे हो, ऐसे सच में घर में काम वाम करते हो कि नहीं करते हो? मैंने किया अपने नेटिव प्लेस में, जहाँ पे मैं हर साल जाता था पहले, तो ऐसी हैंडपंप होता था, ऐसी ऐसी बाल्टी उठा के लेके जाना पड़ता था, तो मैंने वो चीज किया हूँ। और अब अभी मुझे क्या कर रहे हो? जब मैं शूट कर रहा था तो मुझे सच में याद भी आ रही थी कि मतलब मैं ऐसे ही कर रहा था पहले भी। और अभी अभी करते हो आप ये सब चीजें घर पे, कोई काम वाम करते हो आप? घर पे अभी काम ही नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं काम कर रहा हूँ। <जा रहा। laughs> लड़का कितना प्राउड बता रहा है, घर पे काम ही नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ओके सो शिवांगी, आपके पेरेंट्स जो है ऑब्वियसली जब वो यू नो टूटा हैंडपंप तो हंस रहे थे। आमतौर पर जब कुछ टूटता है घर में तो पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं, वो जो जीत आपके फैमिली में मेंबर आपके, कभी ऐसा हुआ है कुछ घर पे टूटा? फिलहाल तो हमारे बहुत बहुत कुछ टूट रहा है, क्योंकि मेरा नेफ्यू आया हुआ है जो 4 साल का है, और तो हर रोज ही कुछ ना कुछ टूट रहा है। कल एक टेबल टूट गई, परसों 2 वास टूट गए, तो अभी मैं पेरेंट्स का देख रही हूँ, क्योंकि वो कुछ कोई बात नहीं, बेटा बेटा को तो नहीं लगी, बस कोई बात नहीं, टूट फिलहाल। और था एक टाइम आई थिंक जब तोड़ देते थे तो हाँ, तो पहले तो वो यही पूछते थे कि हमें तो नहीं लगी, उसके बाद हम करती थी। अभी फैजू आपसे लास्ट टाइम क्या टूटा हैंडपंप के अलावा? फैजू सोच रहा कितनों के दिल तोड़े हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। ऐसे तो कुछ खास टूटा नहीं है। हाँ। ऐसे तो कुछ खास टूटा नहीं है और याद ही नहीं आ रहा है कुछ ऐसा टूटा है। हाँ, मेरा भांजा है, जैसी बोला वैसी उसकी आवाज आई। उसने सब तोड़ के रखा है घर पे, सब कुछ तोड़ के रखा है, जैसे शिवांगी बता रही है ना वैसी हमारा भी कुछ यहाँ पे हाल है, और रोज कुछ नया देखने मिलता है टूटा हुआ, तो कुछ नया नहीं है। जैन 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 देखो वो शख्स ये है, एकदम सही टाइम पे आया है। हाय बोल दो, हाय बोल दो सबको, हाय बोल दो, हाय हाय। हेलो हेलो, कैसे हो आप? तो ये अभी सब तोड़ के रखा है घर में, बहुत सारी चीजें, बच्चे होते हैं तो को ले लो। आप बहुत क्यूट हो बोल रहे हैं, बोलो थैंक यू बोल दो, थैंक यू बोल दो बाबू। ऑलराइट शिवांगी, गाने के वीडियो में एक है कि आपने यू नो खत लिखा है कि मैं जा रही हूँ, पर बताया नहीं कहाँ जा रही हूँ, मतलब क्यों जा रही थी? आई थिंक हमारी टीम को पूछना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता। अच्छा तो बताओगे शान, आप बताइए मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं तो जा रही थी, और कितना अच्छा आंसर दिया आपने। बट उसे लगा कि वो फैजल
फैजल आ नहीं पाया जो उसने खत लिखा था कि मतलब बिना मिले मैं नहीं जा सकती काइंड ऑफ, तो वो उसने वो नहीं मिले तो वो शायद बस से उतर गए कि बिना मिले तो नहीं जाऊंगी, आई थिंक ऐसा कुछ होगा. मतलब मैंने मैं था नहीं वहां पे, मैं सेकंड डे आया था शूट पे और मेरा एक घंटे का ही शूट था और वो मैंने अपना पार्ट किया था. मैं शूट पे मिल भी नहीं पाया किसी से, और फैजू भाई से मिला था बस, और हमने हाँ बाकी शिवांगी से शायद नहीं मिल पाया था. और फिर बस वैसा था, तो स्टोरी का तो मुझे भी नहीं पता, जब पूरा आया बन के तो शायद मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा. फैजू आपको आपको जब यू नो खत एक मिला शिवांगी का कि शिवांगी जा रही है, तो क्या पता कहाँ जा रही है, पूछा नहीं आपने कहाँ जा रही थी? अरे पूछा होता तो मैं डायरेक्ट वहीं चले जाता था ना, मैं तो पूरा रास्ता ढूंढते हुए गया हूँ. बाद में भी नहीं पूछा आपने? स्टेशन नहीं गए, आज स्टेशन नहीं गए, आप सीधे बस स्टैंड गए. और उसका फील तो ऐसा लग रहा था मैं स्टेशन पे हूँ, वो बस स्टॉप था. और जब हम शूट कर रहे थे ना, वो शॉट बहुत मजा आई मेरे को करने में. मतलब वो ऐसा एक रियल वो एक रियलिस्टिक फील लगता है ना, कि मतलब आप ढूंढ रहे हो, आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटका हुआ है, मगर लोगों के धक्के लग रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर आप तो भी ढूंढ रहे हो. वो एक फील था, वो मेरे को बहुत मजा आया शूट करके. बस स्टैंड की बात हो रही है तो आपके फैंस का जो है जो कुछ क्वेश्चंस आए थे उसमें से एक ये था कि फैजू इतने शाय हैं, इतने शर्मीले हैं, तो जब उन्होंने शिवांगी को गोद में उठाया तो उनके माइंड में क्या चल रहा था? मेरे माइंड में क्या चल रहा था? मेरे फैंस लोग ऐसे सवाल नहीं पूछते. शर्माया कम इस बार, क्योंकि मेरा ये शिवांगी के साथ, मतलब शिवांगी के साथ में मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कोई म्यूजिक वीडियो कर रहा हूँ जिसमें ऐसा होल्ड करके मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मतलब ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी. और मैं इतना शिवांगी में शर्माया था या मैं हंस रहा था, ऐसा कुछ था. अच्छा ये जो मोहल्ले वाला प्यार है दिखाया है ना, छत से छत जाने वाला, वैसे ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कभी बचपन में, कभी कुछ शेयर करोगे ऐसा? सब फैजू ही शेयर कर देगा, बाकी सब भी तो है. नहीं नहीं शिवांगी भी करेगी. मोहल्ले का प्यारा ऐसा छत छत वाला तो नहीं था, मगर वो एक रहता है ना ट्यूशन वाला, समझ आसपास वाला. तो मतलब किसी को स्पेशल फील कराने की पूरी कोशिश की है पहले भी? मतलब आप जानना क्या चाहते हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है. नहीं वही चंक जो बचपन वाला जो छत छत वाला प्यार. ऐसा स्पेशल फील तो हमको भी किसी ने नहीं कराया ना, हमने किसी को कराया मगर. ओके अच्छा कुछ कमेंट्स मैंने इंटरेस्टिंग से, वैसे तो आपके यू नो यूट्यूब वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स हैं और बहुत सारे प्यारे कमेंट्स हैं, आप लोगों की तारीफों के पुल बांधे हैं लोगों ने, लेकिन मैंने ना कुछ इंटरेस्टिंग जो मुझे लगी कुछ इंटरेस्टिंग से वो मैंने कुछ जो है कमेंट्स उठाए हैं जो मैं यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ आप लोगों के. ठीक है, पहला है शिवांगी के लिए, had never thought that my world would revolve around someone whom I have not met her in person, but she feels like home. Wow, that's so sweet, yaar. Wow. अच्छा ये कमेंट है फैजू के लिए. ओके तो फैजू के लिए एक ने लिखा है कि मैं फैजू का इतना बड़ा फैन हूँ कि फैजू के लिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लूँ. नीचे किसी ने रिप्लाई किया है कि भाई जब ब्रेकअप करना तो मेरा नंबर दे देना उसे. बस सही है. ओके ईशान के लिए एक कमेंट मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है कि ईशान की आवाज दिल को छू गई, पर ये अफवाह कौन फैला रहा है कि गाने के शूट के बाद डायरेक्ट ईशान शादी अटेंड करने गए थे. हाँ अंदर की खबर आई यार. फंक्शन था, वो अटेंड करने गया था. हाँ एक फंक्शन था, वो मुझे फैंस आपके जानते हैं आप लोगों के बारे में. फर्स्ट मेरा शो था, देन उसके बाद शूट था, और तीसरे दिन मुझे अपने एक फ्रेंड के यहाँ शादी अटेंड करनी थी. क्या बात, मतलब वैसा था. तगड़े हैं. हाँ ओके तो एक ने लिखा है कि ये शिवांगी के लिए है कि आज सुबह काफी लेट सोकर उठा हूँ क्योंकि रात भर ये गाना लूप पे चला है और मैंने शिवांगी को देखा है. तो किसी ने रिप्लाई किया है नीचे, किसी ने रिप्लाई किया नीचे, और जो मम्मी की सुबह चप्पल खाई उसके बारे में क्या कहोगे? तो ऐसे बहुत सारे जो है यू नो
चप्पल कहानी पड़ी प्यार में इंसान डूब जाता है ना, पता नहीं चलता. ओके सो गाइस, ये कमेंट्स कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लगे आपकी यूट्यूब के वीडियो पर. बाकी ओवरऑल तो गाना इतना अमेजिंग है, इतने प्यारे कमेंट्स हैं. बट मैं चाहता हूँ कि यू नो एक लास्ट छोटा सा गेम, क्योंकि आपके गाने दिल को छू रहे हैं, इतना प्यार भर भर के आप लोगों को मिल रहा है आपके फैंस से, यू नो. तो छोटा सा गेम मैंने सोचा है, यू नो, आपको बेसिकली ऐसी मूवीज के नाम बताने हैं, ठीक है, जिसका टाइटल दिल से, मतलब बीच में दिल आता है, कोई भी, जैसे हम दिल दे चुके सनम, ठीक है, ऐसे कुछ मूवीज के नाम आपको बताने हैं. फैजू शिवांगी ईशान, फैजू शिवांगी ईशान, एक बार एक बार, ठीक है, एक बार और रिपीट करिए, एक बार रिपीट करिए, मुझे कॉल आ गया था. बिल्कुल 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 बिल्कुल. आप लोगों को मूवीज के नाम बताने हैं, ऐसी मूवीज के जिसमें, जिसका जो टाइटल है उसमें दिल आता है, दिल शब्द आता है, ठीक है, बट दिल की जगह शब्द को आपको रिप्लेस करना है अंडे से. क्या, दिल की जगह अंडे से? अंडे से, अंडे, अंडे से. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अंडे, हमारा दिल, हमारा दिल आपके पास है, हमारा अंडा आपके पास है, काइंड ऑफ ऐसा. पहले पहले फैजू आप, देन शिवांगी, देन ईशान. पहले मैं, पहले ईशान भाई, जब तक मैं सोचता हूँ. चलो चलो, पहले पहले ईशान, पहले ईशान. ओके ओके, ईशान वी आर वेटिंग. अच्छा मुझसे? ओके हाँ हाँ हाँ, हम अंडे दे चुके सनम, ये तो मैंने बोल दिया ना. अरे बोल दिया अभी, अरे मैंने सुना नहीं है मुझे. ओके देन शिवांगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शिवांगी नेक्स्ट. फैजू यू गो प्लीज. मैं, फैजू आप बताओ. शिवांगी मैं तो बोला ना, हम अंडे दे चुके सनम. अरे वो एक एग्जांपल था. अच्छा वो एग्जांपल था क्या? या शिवांगी आपको बहुत सारे गाने, बहुत सारे मूवीज के नाम है यार दिल से, मुझे याद ही नहीं आ रहा. हमारा दिल आपके पास है, ये आपने बोल दिया. दिल वाले दुल्हन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. हाँ अंडे वाले, अंडे वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवांगी को याद आ रहे नाम, बट शिवांगी को लग रहा है यार अंडे बोलेंगे अजीब लगेगा. ऐसे याद ही नहीं आ रहा. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वी 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 ट्रस्ट यू, वी ट्रस्ट यू, यू हैव टू से गाइस वी ट्रस्ट यू. मुझे हेल्प चाहिए आप सब. क्या हो आप लोग?